अप्लाइड फिजिक्स सेकंड वेव ऑप्टिक्स के चैप्टर में जो आज हम टॉपिक पढ़ेंगे वन ऑफ द मेजर इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। टॉपिक इज डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, प्रकाश का विवर्तन। देखो बेटा क्या होता है प्रकाश का विवर्तन, इसके लिए आपको अभी मैं पहले डेफिनेशन लिख पाऊंगा, उसके बाद जो है इस रिलेटेड एक दो डायग्राम्स हैं, दो डायग्राम्स को बनाएंगे, उस डायग्राम को एक्सप्लेन किया जाएगा और उसके बाद फिर आपको जो इससे रिलेटेड जो टर्म्स होंगे कैसे इसका कंस्ट्रक्शन होता है और कैसे इसके रिलेटेड फार्मूला होता है और क्या इसके टाइप्स होते हैं, ये सारे टर्म आपको इस पूरे लेक्चर में जो है इसको पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए बेटा लिखिएगा डेफिनेशन इसका। प्रकाश का विवर्तन, डिफ्रैक्शन का डेफिनेशन लिखिएगा, किसी स्लिट अवरोधक या तीक्ष्ण किनारों पर प्रकाश का आंशिक रूप से मुड़ना प्रकाश का विवर्तन कहलाता है। प्रकाश का विवर्तन कहलाता है। एक और डेफिनेशन आप लिख सकते हैं डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट का, अगली लाइन से लिखिएगा, किसी अवरोधक के किनारों पर प्रकाश के मुड़ने की तथा ज्यामितीय प्रतिछाया में प्रकाश के प्रवेश करने की घटना को प्रकाश का विवर्तन कहते हैं। तो प्रकाश का विवर्तन कहते हैं। ए डायग्राम के अकॉर्डिंग थोड़ा सा इसको समझने की कोशिश करेंगे। जो लोग इंग्लिश में अगर लिखते हैं तो लिखें बेंडिंग ऑफ लाइट वेव्स एट द कॉर्नर्स ऑफ अ स्लिट और ऑपेक ऑब्स्टिकल इज कॉल्ड डिफ्रैक्शन। अगली लाइन से लिखिएगा, तरंगों का विवर्तन प्रतिरूप अवरोधक के आकार ब्रैकेट में लिखेंगे स्मॉल a एवं प्रयुक्त तरंग दैर्ध्य ब्रैकेट में लिखेंगे लैम्डा के अनुपात a by लैम्डा पर निर्भर करता है। आइए देखें किस तरीके से जो है वो डिफ्रैक्शन का केस जो हमको मिलता है, दो तरीके का। एक ये कि सोर्स से लाइट निकलेगी, ठीक है, पहला जो टाइप है इसमें वो ये होगा
ये मान लेते हैं कि एक सोर्स S है, इस सोर्स S के सामने क्या है, एक अवरोधक AB रखा गया है कुछ दूरी पर, मान लीजिए ये वो अवरोधक है AB जो अपारदर्शी है, ठीक। सोर्स S से, सोर्स S से इसके किनारों से होते हुए लाइट की वेव्स ऐसे जाएगी, ये जो लाइट वेव्स होगी वो कैसे जाएगी, सीधी रेखा में जाएगी और किनारों से मुड़कर सीधे निकल जाएगी, ठीक है। अब इसके बाद इसी तरह से इसके दूसरे एंड की तरफ से भी सेम कंडीशन हमको देखने को मिलेगी। सपोज करते हैं कि अगर इस AB जो यहाँ पे ये AB ऑब्स्टेकल या अवरोधक है, ये क्या है, अवरोधक है, और ये S क्या है, प्रकाश का एक वर्णीय स्रोत है, एक वर्णीय यानी कि जैसे सीधे प्रकाश स्रोत, और इसके सामने अगर ये एक स्क्रीन हो, एक्स वाई स्क्रीन हो, एस से जो लाइट निकले
निकलेगी वो क्या होगी, इस तरह से स्लिट से आएगी और स्लिट से पास होते हुए वो क्या होगा, इस स्क्रीन से फिर ये सीधे आ जाकर क्या बस मुड़ते हुए आगे की तरफ जाकर स्क्रीन पर किसी पॉइंट पर टकराएगा। यानी ये जब ये स्क्रीन पर कहीं पर टकराएगा जिस पॉइंट पे, अगर उसको हम सी और यहाँ पर बोलने के लिए डी और जो स्लिट है वो है अगर ए बी, ये क्या होगा बेटा, ये हो जाएगा स्लिट ए बी। ठीक है, फिर हम लोग क्या देखेंगे, करेगी और स्क्रीन एक्स वाई तक आएगी, इसमें हम लोग क्या देखते हैं, ये लाइट होगा, ये लाइट सी से लेके देखते हैं डी तक में क्या होगा, आके यहाँ पे स्क्रीन पे पड़ेगा। अब हम लोग ये देखेंगे कि सी से ऊपर का जो क्षेत्र होगा और डी से जो नीचे का क्षेत्र होगा उसमें क्या होगा, तो देखेंगे इस जगह पे ज्यामितीय छाया बनेगी। ठीक है, और ये जो पोर्शन होगा बेटा, इस पोर्शन को क्या कहते हैं हम लोग, कि ये जो बेटा पोर्शन होगा इसको हम लोग बोलेंगे प्रतिदीप्त क्षेत्र, या कहेंगे इल्यूमिनेशन रीजन, क्या कहेंगे, प्रतिदीप्त क्षेत्र या कहें इल्यूमिनेशन रीजन। ठीक है, शैडो इस तरीके से बनेगा और कहेंगे हम लोग दोनों में क्या चीज देख रहे हैं, जो चित्र ए है, अगर हम इसको मान लेते हैं कि ये क्या है, चित्र ए है, या कहें फिगर या डायग्राम ए है, और इसको अगर हम माने चित्र या कहें फिगर बी, तो जो चित्र ए है उसमें क्या हो रहा है कि सोर्स के सामने, यहां वाले में देखिएगा, सोर्स के सामने एक अवरोधक कहें या कहें कि ऑब्स्टेकल क्या हो जा रहा है, ऑब्स्टेकल जो है वो डेवलप हो जा रहा है। ठीक है,
कल जो है वो अवरोधक जो है वो रहता है। अब क्या देख रहे हैं, इसमें जो अवरोधक है, इस अवरोधक के चलते जो सोर्स एस से बेटा लाइट पास कर रही है, वो सोर्स एस से पास होने वाली लाइट क्या हो रही है, ए बी को पार नहीं कर सकती है, क्योंकि ये जो अवरोधक है ये क्या है बेटा, तो ये है एक तरीके का अपारदर्शी माध्यम है, या कहें कि नॉन ट्रांसपेरेंट टाइप का मीडियम है। तो यहाँ पे ए और बी के बीच में कहीं से भी क्या होगा, लाइट जो है बेटा पास होके आगे नहीं जाएगी। तो यह किस तरीके से आगे जाएगी, तो हम लोग देखते हैं कि इसके जो किनारे हैं उन किनारों पर से यानी ए और बी से देखते हैं लाइट जो है वो पास होके जाएगी। जब लाइट ए और बी से बेटा पास होकर जाएगी तो क्या देखा जाएगा, तो देखते हैं कि ए बी की जो छाया है वह स्क्रीन एक्स वाई पर सी डी के रूप में यानी सी से लेकर डी तक के रूप में एक छाया बनती है ए बी की, जिसको हम लोग कहते हैं ज्योमेट्रिक शैडो कहें, या कह सकते हैं ज्यामितीय छाया बनती है। और इतने दूर में क्या होता है, डिफ्रेक्शन का हम लोग केस जो है वो डेवलप करते हैं। दूसरा जो केस जो डायग्राम दिया हुआ है उसमें क्या दे रहा है, तो इसमें क्या कर रहा है कि सोर्स एस के सामने यानी प्रकाश स्रोत एस के सामने क्या कर रहा है, एक ऑब्स्टिकल लगा रहा है, एक स्लिट लगा रहा है यहाँ पे, जो स्लिट ए बी है, और ए बी के अंदर से अब जो है बीच के रीजन से ही सिर्फ जो है वह प्रकाश जो है वह निकल के स्क्रीन तक आ सकती है, और बाकी इसके ऊपर और नीचे के पोर्शन से प्रकाश जो है वो आगे की तरफ नहीं आ सकती। जब बेटा सिर्फ इसी रीजन से ए बी से ही प्रकाश जो है वो बाहर आएगी, तो उस कंडीशन में कुछ दूर जाने के बाद जो स्क्रीन बना हुआ है उस स्क्रीन पर हमको जिस रीजन में प्रदीप्त या कहें कि प्रतिदीप्त क्षेत्र या इल्यूमिनेशन रीजन बनता हुआ दिखेगा बेटा, वह होगा सी से लेकर डी तक का रीजन। और ज्यामितीय छाया जो बनेगी वह किधर बनेगी, तो सी के या तो ऊपर बनेगी, सी के ऊपर तथा डी के नीचे बनेगी। ठीक है, आइए इसमें जो है आपने इसमें अभी तक में क्या किया है, आप डेफिनेशन लिखे हैं, डेफिनेशन लिखने के बाद आपने इसका रेशियो लिखा, और उसके बाद आप क्या किए हैं, डायग्राम बनाए हैं। इस डायग्राम को बनाने के बाद क्या करेंगे हम लोग, आगे जो है इसका कंस्ट्रक्शन यानी कि इसकी संरचना किस तरीके से होती है, और कैसे जो है एक ज्यामितीय छाया या कहें डिफ्रेक्शन का केस, विवर्तन का केस हम लोगों को मिलता है, आइए इसको हम लोग लिखते हैं। इस डायग्राम को बना लीजिएगा, जल्दी से इस डायग्राम को देख के सारे चीजें बना लीजिए, फिर क्या करते हैं इसको हम लोग लिखेंगे। आप लोगों ने बेटा डायग्राम बना लिया होगा, आइए इसके कंस्ट्रक्शन को हम लोग लिखें।
जैसे जैसे जो टर्म आता जाएगा बेटा वो टर्म आपको हम बताते जाएंगे और यहाँ स्क्रीन पे आपको दिखाते जाएंगे, ठीक है। ये पूरा चलिए लिखिएगा, किसी प्रकाश के स्रोत, किसी प्रकाश के स्रोत, किसी प्रकाश के स्रोत कैपिटल एस एवं पर्दा या लिखिए स्क्रीन एक्स वाई के मध्य, एक्स वाई के मध्य कोई अपारदर्शी वस्तु ए बी रखी जाए, तब स्क्रीन पर वस्तु की तीक्ष्ण, ब्रैकेट में लिखेंगे बेटा शार्प छाया सी डी प्राप्त होती है। जैसा कि आप यहाँ डायग्राम में देख रहे होंगे सी डी प्राप्त होती है, छाया है जिसकी ए बी की छाया है सी डी, और देखिएगा ए बी से बड़ी छाया बन रही है सी डी, ठीक है। जिसे ज्यामितीय छाया ज्योमेट्रिक शैडो कहते हैं, और ब्रैकेट में चाहें तो लिख सकते हैं फिगर ए। फिर इसके बाद आगे लिखेंगे, इससे स्पष्ट होता है कि प्रकाश सीधी रेखा में चलता है, प्रकाश सीधी रेखा में चलता है, परंतु यदि अपारदर्शी वस्तु बाधा भी लिख सकते हैं उसको, अपारदर्शी वस्तु बाधा अवरोधक, ठीक है, का आकार बहुत छोटा है, लगभग प्रकाश की तरंग दैर्य के बराबर, तब प्रकाश वस्तु की छाया अर्थात ज्यामितीय छाया ज्योमेट्रिक शैडो पर पहुंच जाती है, अर्थात अवरोधक के किनारों पर मुड़ जाता है, और इस प्रकार चित्र बी ये वाला, ठीक है, चित्र बी के अनुसार वस्तु के स्थान पर कोई बहुत छोटे आकार की स्लिट, जैसे यहाँ पे है बहुत छोटे आकार की स्लिट ए बी रखी जाए, तब सी डी क्षेत्र प्रतिदीप्त होती है। आप देख रहे होंगे यहाँ पे हम लोगों ने क्या दिखाया है, प्रतिदीप्त होता हुआ, ये देखिए प्रतिदीप्त होती है, तथा प्रकाश स्लिट द्वारा निर्मित ज्यामितीय क्षेत्र सी एक्स तथा डी वाई प्रतिदीप्त क्षेत्र सी डी के से बाहर की ओर चला जाता है, अवरोधक के किनारों पर प्रकाश के इस प्रकार मुड़ने की क्रिया विवर्तन कहलाती है।
विवर्तन की क्रिया की खोज, विवर्तन की क्रिया की खोज सर्वप्रथम इटली के वैज्ञानिक ग्रिमाल्डी द्वारा की गई। ग्रिमाल्डी मैं लिख दे रहा हूँ, ग्रिमाल्डी के द्वारा की गई। फिर आगे लाइन से लिखिएगा, प्रकाश तरंगों का किनारों पर मुड़ना, प्रकाश तरंगों का किनारों पर मुड़ना सामान्यतः परिलक्षित नहीं होता है। इसका कारण प्रकाश की तरंग दैर्य के मान का बहुत सूक्ष्म 6×10⁻⁵ सेंटीमीटर होना है। ध्वनि तरंगों की तरंग दैर्य प्रकाश की तरंग दैर्य की 10⁷ गुना होती है, अतः जिस अवरोधक के किनारे पर ध्वनि तरंगें मुड़ जाती हैं उसके किनारों पर प्रकाश तरंगें नहीं मुड़ पाती हैं। प्रकाश तरंगों के किसी अवरोधक के सिरों पर मुड़ने की क्रिया का प्रदर्शन करने के लिए अवरोधक का आकार ध्वनि तरंगों के लिए आवश्यक अवरोधक की तुलना में 10⁻⁷ गुना होनी चाहिए। अगली लाइन से लिखेंगे, इटली के भौतिक विज्ञान वेत्ता ग्रिमाल्डी ने अवरोधक के सिरों पर प्रकाश के मुड़ने की घटना का प्रायोगिक प्रदर्शन किया। उन्होंने यह पता लगाया कि एक सूक्ष्म आकार के प्रकाश स्रोत से जब प्रकाश एक अवरोधक पर डाला जाता है तो पहला लिखिएगा, अवरोधक की प्रतिछाया का आकार ज्यामितीय रचना से प्राप्त छाया के आकार से बड़ा होता है, अर्थात ज्यामितीय प्रतिछाया में प्रकाश प्रवेश कर जाता है। दूसरा पॉइंट लिखेंगे, प्रतिछाया सीमाओं में बधी तथा तीव्र नहीं होती, अपितु छाया से बाहर
रंगीन फ्रिंज होती है, छाया से बाहर दूर जाने पर फ्रिंज निकट होती है तथा अंत में हमें एक समान तीव्रता प्राप्त होती है। उपरोक्त कह सकते हैं जो दोनों डायग्राम दिया इसके अकॉर्डिंग कह रहा है, उपरोक्त दोनों निरीक्षणों से स्पष्ट है कि प्रकाश किसी अवरोधक के सिरों पर मुड़ता है। अगले ये हम लोग का था कि प्रकाश का विवर्तन किसे कहते हैं। अगला जो लेक्चर हम लोग का रहेगा वो बेस्ड ऑन टाइप्स ऑफ डिफ्रेक्शन, कहेंगे विवर्तन के प्रकार क्या होते हैं। विवर्तन के दो प्रकार, फ्रेजनल विवर्तन या कहें फ्रेजनल डिफ्रेक्शन, और दूसरा होता है फ्राउनहोफर डिफ्रेक्शन। ठीक, दोनों का टाइप पढ़ेंगे, डायग्राम पढ़ेंगे, और उसके बाद फिर हम लोग पढ़ेंगे फ्राउनहोफर डिफ्रेक्शन एट अ सिंगल स्लिट। इसके बाद हम लोग डिफरेंस बिटवीन डिफ्रेक्शन एंड इंटरफेरेंस ये टॉपिक पढ़ेंगे, और फिर हम लोग क्या करेंगे इस पे बेस्ड न्यूमेरिकल लगाएंगे, और उसके बाद हम लोग का डिफ्रेक्शन का जो पूरा चैप्टर है, जो टॉपिक है, वो समाप्त हो जाएगा। तो दो लेक्चर इसमें और लगेंगे, एक लगेगा टाइप्स और सिंगल स्लिट पे, और दूसरा हम लोग का लगेगा किस पे, इस पे बेस्ड न्यूमेरिकल्स, और दोनों में क्या डिफरेंस होता है विवर्तन तथा व्यतिकरण या कहें इंटरफेरेंस एंड डिफ्रेक्शन में क्या डिफरेंस होता है इसमें। ठीक है, ठीक है, तो अगले लेक्चर में हम लोग जो है आगे का पोर्शन जो है बेटा वो पढ़ा जाएगा। ठीक।